हाय एवरीवन, तो कैसा आप सब? आई होप ऑल गुड। टू गाइस, माई सेल्फ आदित्य सिंह राजपूत, मेरा नाम है आदित्य सिंह राजपूत। नाम से क्या करोगे यार, नाम से कुछ नहीं करने वाले हो। तो गाइस मैं बता दूं, आज आप लोग लेकर क्या हूँ, टाटा नैनो, जो कि काफी अच्छा कंडीशन में आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगा। लुक का बात करो तो लुक भी काफी अच्छा है, और पेंट का बात करो तो गाड़ी का पेंट भी काफी अच्छा है। रिपेंट नहीं है गाड़ी, कहीं से स्क्रेचेस गाड़ी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का। तो ऐसा आप तो कहीं भी नैनो लेने जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा, बट हाँ यार काफी अच्छा कंडीशन में तो देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक बार मेरा वाला भी नैनो देख लो। वैसे मेरा वाला नैनो का मतलब ये नहीं कि मेरा नैनो यार, ये ना सोचना मैं खुद सेल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बस रिव्यू करता हूँ, मेरे नजर में जो गाड़ी दिख जाती है अपने पब्लिक के लिए रिव्यू कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दो, एंड चैनल पर जो लोग चैनल 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 ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड चलिए गाड़ी को देख लेते। तो गाइस यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हो, काफी शानदार आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का लुक का बात करो तो काफी शानदार आपको गाड़ी का लुक देखने को मिल जाता है। हेडलाइट जो कि हर गाड़ी के अंदर होता है, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में वाइपर देखने को मिल जाएगा। चारों साइड से आपको हम गाड़ी का लुक दिखाने का ट्राई करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप चारों साइड से लुक देख सकते हो, काफी अच्छा शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। टायर का बात करो तो टायर भी लगभग 60-70% टायर लगभग बचा हुआ है। एंड एलॉय कवर का बात करो तो कुछ इसी टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छा एलॉय कवर भी आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी का। और गाड़ी का लुक वाइज बात करें यार, एक बार में आपको गाड़ी पसंद आ जाने वाला कुछ इसी टाइप से है। एंड गाड़ी का कलर भी देख सकते हो, काफी अच्छा कलर है, शाइनिंग मार रहा है गाड़ी का कलर। तो नो डाउट यार गाड़ी काफी पसंद आपको आने वाला है एक नजर के अंदर। आप तो क्या कहीं भी आप गाड़ी लेकर के चल जाओगे ना, मैं बताऊंगा आपको एक बार में पसंद आ जाएगा, और लोग देखेंगे तो आपको तारीफ ही करेंगे आपके कितने अच्छे गाड़ी ली हो ठीक है। तो इंटीरियर का बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी देख सकते हो, काफी खूबसूरत आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट में इसका ये तो इंटीरियर क्या बोलते हैं यार, बोनट। दो बोनट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेपनी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक टायर, स्टेपनी को ही टायर बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ यार, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलते बोलते, तो आई एम सो सॉरी। तो गाइस यहाँ पे टायर और साथ में फ्यूल डालने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, रेडिएटर वाटर सब कुछ यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंटीरियर का बात करते हो गाइस, यहाँ पे आप इंटीरियर देख सकते हो गाड़ी का, काफी अच्छे इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। चार चार एसी वेंट फ्रंट में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा कूल करता है, और यहाँ पे आपको हीटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कूल बोल दिया तो ये नहीं समझना कि बस कूल ही करेगा, गर्म नहीं करेगा, गर्म भी करेगा। सीट क्वालिटी देख सकते हो, सीट क्वालिटी काफी अच्छा है। पीछे का सीट का बात करें तो वो भी काफी अच्छा गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस गाड़ी का और डिटेल बताऊं तो टाटा नैनो 2012 मॉडल है ठीक है। तो मॉडल आपको बता दिया, किलोमीटर का बात करें तो ज्यादा नहीं चला हुआ, सिर्फ और सिर्फ 55,000 किलोमीटर चला हुआ है, नॉर्मल एक तरह से चला हुआ है। एंड ऑनर का बात करें तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप लेने के बाद बन जाओगे सेकंड ऑनर तो फिर क्या ही दिक्कत है यार, फर्स्ट ऑनर गाड़ी हमेशा लेना चाहिए, और फर्स्ट ऑनर ही गाड़ी आपको देखने को मिल रहा है तो ले सकते हो। प्राइस का बता दूं तो गाइस इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपये, जो कि नेगोशिएबल है, प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। सो डोंट वरी गाइस, अगर आपको लेना हो तो आराम से इस गाड़ी को ले सकते हो। लोकेशन बता दो, मुंबई का गाड़ी है, मुंबई से कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था कमेंट बॉक्स के अंदर, मुंबई में गाड़ी चाहिए था, तो भाई मुंबई में गाड़ी लेकर के आ चुका हूँ। अगर ये गाड़ी ना पसंद है तो बेशक कमेंटों को दूसरे गाड़ी का रिव्यू कर दूंगा ठीक है, करता हूँ या फिर कर दूंगा, जो भी बोलो सेम ही बात है यार। तो गाइस और क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं, कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा ऑनर का, मेरा नहीं, कांटेक्ट नंबर ऑनर का देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑनर से। भाई लोग कमेंट करते हैं मेरा नंबर के लिए, तो भाई अपना नंबर इसलिए नहीं देता ना क्योंकि बहुत सारा कॉल आने लगता है ऑलरेडी, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं तो करता हूँ, बीच में कॉल आ जाता है, गुस्सा में समझ सकते हो किसी को कुछ बोल दूँ तो अच्छा नहीं लगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को भी बाद में बहुत गंदा लगता है, तो मैं अपना नंबर बहुत कम ही देता हूँ, बहुत रेयर केस में दिया करता हूँ, जब किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। इमरजेंसी बोले जरूरत रहो, सेम ही होता है यार, मैं ना बिल्कुल पागल हूँ, डफर हूँ ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दे, एंड जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।